I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. कहाँ हैं तुम्हारे अंकल? यहीं पर तो थे अभी. यहाँ तो कोई नहीं. पता नहीं कहाँ चले गए. ये क्या है? पढ़ो. बाबू लोहार, फौरन मेरे घर पर मुझसे आकर मिलो, मिस्टर ओबेरॉय. आपने मुझे बुलाया है. आओ बाबूलो. जितना तूफान घर के बाहर है, उसे कहीं भयानक तूफान मेरे दिल के अंदर उठा हुआ है. तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसकी मदद से यह तूफान हमेशा के लिए थम सकता है. साहब, मैं लोहार हूं, सीधी चोट करता हूं और सीधी बात समझता हूं. आज से तकरीबन 7.5 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हमसे हमारा बेटा बिछड़ गया था. आओ मेरे साथ. बाबू, यही वो कमरा है जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आंखें खोली थी. उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से संभाल कर रखी है. सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है कि हमारा बेटा जिंदा है. इसलिए हर साल वो उसका जन्मदिन मनाती है और उसके तोहफों को सहेज कर संभाल कर रखती है. लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाबू, मैं उस बच्चे का बाप हूं और ममता उसकी मां. जानना नहीं चाहते कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा ये है. बाबू, तुम्हें हमारा बेटा कैसे मिला? आपका बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? बनने की कोशिश मत करो, राजू हमारा बेटा है. मैं जानकर अनजान नहीं बन रहा हूं साहब. आप जानबूझकर एक खुदगर्ज की तरह मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहते हैं. राजू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है राजू. बाबू, मैंने राजू की तस्वीर तुम्हारे घर पर देखी है. ये इत्तेफाक नहीं हो सकता. राजू को देख ममता के अंदर ममता उमड़ पड़ती है. ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता. जो तुम ममता की लोरी हुआ करती थी, आज वही गीत बनकर राजू की जबान पर आ गई. ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता. तुम्हारा राजू हमारा खोया हुआ युवराज है. जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी. अव्वल तो मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता. मेरी सांस है वो, मेरी धड़कन है वो, लेकिन वो मेरा खून है. खून? किस खून की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा जब 1 साल का था तो 5 किलो का होगा. मेरा बच्चा 30 किलो का है. उसकी रगों में मेरा पसीना खून बन के दौड़ रहा है. उसके जिस्म में जो बरकत आई है वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है. मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है. अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है. ये लो, ये सारी दौलत ले लो और अपने लिए एक लोहे की फैक्ट्री खड़ी कर दो.
और ये लो ये चेक, और इसमें ऐसी रकम लिख दो ताकि तुम्हारे सात पुश्तों तक गरीबी की हिम्मत न हो कि तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सके। लेकिन 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 मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। बाप होकर बाप का सौदा करते हो। चलो हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं। सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे, उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस दे दीजिए। अरे वो बच्चा तो दूर की बात है, वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वही हमें दे दीजिए, जिसके अंदर आपकी पत्नी की ममता कूट कूट के भरी हुई है। दे सकोगे आप? दे सकोगे? वो बच्चा तुझे मिला था, तू उसका जन्मदाता नहीं है बाबू? उसके माता पिता का अधिकार और राजू का भाग्य भी क्या तू छीन लेगा? राजू उसका खून है, तेरा नहीं। कहां ले आए हो मुझे? तुम्हारी मंजिल तक। मतलब? बादशाह को मैं छू भी नहीं सकता क्योंकि सुल्तान उसे जिंदा देखना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए तुम आजाद हो। वो रहा बादशाह का घर। वो ममता जिसकी शादी के परसों बाद तक कोख सुनी रही, मन्नतें मांग मांग कर भगवान से एक बच्चा पाया मैंने, और वो बेटा देकर उसी ने मुझसे छीन लिया। मैं 7 साल तक उस भगवान के चरणों में सर रखकर भीख मांगती रही, पर वो खामोश रहा। मैं 7 साल तक फरियाद करती रही, 7 साल तक पुकारती रही, मगर उसने मेरा बच्चा मुझे नहीं लौटाया। तुम मेरे लिए उस भगवान से भी बढ़कर हो, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी, उसकी तकदीर बनाई, उसे शिक्षा संस्कार देकर इंसान बनाया, जो वरदान मुझे वो भगवान नहीं दे सका। आज वो भीख तुम मेरी झोली में डाल सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माथा टेकती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा राजू मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अगर तुम पत्थर बन जाओगे तो दुनिया में इंसान पर से इंसान का भरोसा उठ जाएगा। अपनी खामोशी को तोड़कर लौटा दो मेरे बच्चे को, इनकार मत करना, इनकार मत करना, मेरा बच्चा। चलो ममता चलो, तुम्हारे आंसुओं से मंदिर में पत्थर का भगवान पिघल सकता है, लेकिन ये आदमी नहीं। इसकी खामोशी ने हमें हमारा जवाब दे दिया है। अब यहां अपनी ममता को और जलील मत करो। चलो नहीं।
पुलिस स्टेशन, आदित्य ओबेरॉय। मैं तुम्हारे माफी के हकदार तो नहीं और ना ही तुम्हारे प्यार के काबिल हूं। मैं तो वो बदनसीब हूं जिसने अपने सपनों के संसार को खुद अपने हाथों से चला लिया। वो अभागन हूं जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को पाकर शक की दहलीज पर कुर्बान कर दिया और आज अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म करने चली आई थी। पर यहां के पता चला तुम आम इंसान से बहुत ऊंचे हो। मैं टूट चुकी हूं बादशाह, मैं अंधेरों में घिर चुकी हूं। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारी खुशियों की रोशनी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। मुझे माफ कर दो बादशाह, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर आज भी यही कसम खाती हूं कि मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारी अमानत है, सिर्फ तुम्हारी। बाबू लोहार, बाबू लोहार ने पूरे समाज के सामने इंसानियत, नेक नीति और एक मददगार इंसान होने की मिसाल कायम की है। इंस्पेक्टर प्रधान की गवाही और सबूतों के बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजीव के असली माता पिता मिस्टर एंड मिसेज ओबेरॉय ही हैं और इसीलिए यह अदालत बाबू लोहार को हुक्म देती है कि राजू को उसके असली माता पिता के हवाले कर दे। द कोर्ट इज एडजर्न। कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बाबा बाबा, राजू राजू बाबा, राजू बाबा, नहीं छोड़ो मुझे राजू, बाबा नहीं छोड़ो मुझे राजू, बाबा मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे बाबा की मान जाना है, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, मुझे बाबा की मान जाना है, छोड़ो मुझे, मैं बाबा को छोड़ के नहीं जाऊंगा राजू। राजू राजू, इस रोटी से बहुत गहरा रिश्ता है बादशाह का। इसी रोटी की खातिर मैंने उसे इंसान से जानवर बनाया था। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरा वफादार जानवर आज इंसान बनते ही बगावत पर उतर आया। नहीं, मुझे वो इंसान नहीं, मुझे मेरा पालतू जानवर चाहिए, मुझे मेरा बादशाह चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बादशाह चाहिए। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.